हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे यूट्यूब की वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने का फीचर रेडमी वालों ने अपने म्यूजिक प्लेयर में दिया हुआ है। आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे उस फीचर का यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने रेडमी डिवाइस के एक और फीचर के बारे में बताया था। उस फीचर का यूज करके आप जब भी कोई फाइल को शेयर करोगे तो आपको उसमें फाइल शेयरिंग स्पीड 20 MB से भी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। YouTube को बैकग्राउंड प्ले करने का फीचर Redmi वालों ने अपने म्यूजिक प्लेयर में दिया हुआ है, लेकिन जब मैं म्यूजिक प्लेयर को ओपन करता हूं तो ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि YouTube को बैकग्राउंड प्ले करने का फीचर Redmi वालों ने इंडिया में नहीं दिया है। यह फीचर इंडिया में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इंडिया में Redmi वालों ने हंगामा म्यूजिक से स्पॉन्सरशिप ली हुई है, इसलिए हमें रेडमी के म्यूजिक प्लेयर में हंगामा म्यूजिक इनबिल्ट मिलता है। लेकिन आप फिर भी उस फीचर का यूज कर सकते हैं। यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने वाले फीचर को यूज करने के लिए आप अपने मोबाइल सेटिंग को ओपन करें। फिर एडिशनल सेटिंग में क्लिक करें, फिर रीजन में क्लिक करें। यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए आपको रीजन चेंज करना होगा। अभी रीजन में इंडिया हो सेलेक्ट होगा, तो इसे चेंज करके रीजन में नेपाल सेलेक्ट कर लें। आप नेपाल के अलावा और भी दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। रीजन चेंज करने से आपके मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके मोबाइल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आप म्यूजिक प्लेयर में उस फीचर का यूज कर पाएंगे। जब भी आपको यूट्यूब की वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले करना हो तो यहाँ से रीजन चेंज कर लेना, और जब यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले ना करना हो तो यहाँ से रीजन में फिर से इंडिया सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने अभी रीजन में नेपाल सेलेक्ट कर लिया है और मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं म्यूजिक प्लेयर ओपन करता हूँ। गाइज, अब यहाँ से हंगामा म्यूजिक हट चुका है क्योंकि हंगामा म्यूजिक सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। अब इस म्यूजिक प्लेयर में ये फीचर ऐड हो चुका है। तो यूट्यूब को बैकग्राउंड प्ले करने के लिए आप इस वॉच वाले फीचर में क्लिक कर दें। अब यहाँ यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप कोई भी वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। वीडियो प्ले हो चुकी है, अब मैं बैक चला जाता हूँ। तो गाइज, ये देखिए वो वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो रही है। आप यहाँ से वीडियो को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस को लॉक भी कर देते हैं तो तब भी ये म्यूजिक प्ले होता रहेगा। यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने के कई फायदे हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट कम यूज होगा और आपके मोबाइल की बैटरी भी ज़्यादा चलेगी, और यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने से ऐड भी नहीं आएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।